हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करें 9 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया वो है एम राजेश्वर राव। केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और जिसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया वो है शशांक भिड़े। केंद्र सरकार ने जय वेंकटरामू को जितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है 3 साल। हाल ही में जिसने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया वो है रशिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जिस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी है वो है जापान। भारतीय वायुसेना दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 8 अक्टूबर को। हाल ही में जिस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया वो है बबीता फोगाट। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से जितने फीसदी जनता के साथ सिनेमा को खोलने की इजाज़त दे दी है वह 50%। UGC ने हाल ही में देश के जितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है 24। हाल ही में अमेरिका के जिस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया जॉनी नैश। थैंक यू वेरी मच।